सर, की मामला है आपका? सर ये डानी तेजा सिंह से हम आए हैं। अच्छा। डानी तेजा सिंह के निवासी है। यहाँ एक ना डानी में औरत रहती है, ये काफी लंबे समय से 2022 की भी हमारे पास एक एप्लीकेशन पड़ी है जिसके ऊपर प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की हमारी, ठीक है। और इसी बात को लेकर आज हम एसपी महोदय के सामने पेश होने आए हैं, सभी जनता के पास। देखो मेरे साथ बहुत आदमी आए हैं और ये लंबे समय से चिट्टा गांजा व गोलियों का व्यापार कर रही है, और अब ये उससे बढ़ के इसने धंधे का भी काम शुरू कर दिया है वहाँ। और अगर कोई विरोध करते हैं तो ये लड़कों के ऊपर अपनी बेटी का छेड़छाड़ का आरोप लगा देती है, लगा भी दिया है और लगा रखा है हमारे पास ऊपर, झूठा मुकदमा करवा रखा है इसने कि चिट्टे की रोकथाम के लिए कोई भी लड़का आगे ना आए, और धमकियां देती है, जाति सूचक गालियां देती है। इसी बारे में हम एसपी महोदय से मिलने आए हैं। किसी चौकी में, किसी सिटी थाने में हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हर जगह हम 11 तारीख से लगे हुए हैं, दिन रात एक किया हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ, मर रहे हैं, इतने इतने बच्चों को चिट्टा पीना सिखा दिया इस औरत ने, और कोई भी नहीं दे रही, और जाति सूचक हमारे को गालियाँ देती है, और जब भी कोई आदमी इससे बात करने जाता है उसके ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा दायर करवाते हैं। क्या मांग करते हैं बाप लोग? हम ये मांग करते हैं प्रशासन से कि हम यहीं के वासी हैं और हमारी सुनवाई हो। मांग हमारी ये एसपी महोदय से भी, एक तो तफ्तीश करें हमारे मोहल्ले में आकर, और पहले तो ये झूठा मुकदमा कैंसिल करवाया जाए हमारे ऊपर से, और दूसरा हमें इसका धंधा बंद करवाना चाहिए।